महाराष्ट्र के एक संस्था के द्वारा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे और सोशल मीडिया से लेकर कई जगह उनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया गया था, जिसका खंडन करते हुए छत्तीसगढ़ के रायपुर में बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जहां पर उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खुला चैलेंज दिया है। जिसे भी कोई आपत्ति है तो वह इस दरबार में आ सकता है और अपनी समस्या का निराकरण पा सकता है। वहीं उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म में जब कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो उस पर रोक लगाने के लिए लोग उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा उन सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे जिनका लोग जवाब चाहते हैं। दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, भूत पिशाच में कर दुनिया में महावीर जब नाम सुना भाई आप इनके चक्कर में पड़ो, हनुमान जी को पकड़ो, क्या ये गलत, क्या ये सनातन, क्या ये अंधश्रद्धा, क्या ये अंधविश्वास। आगे हमने कोई भी महाराष्ट्र में कानून का उल्लंघन नहीं किया, ना हम करेंगे, और आप अपने फैक्ट के अनुसार देख लीजिए, लीगली तौर पर हमें कोई दोहराए या दिक्कत नहीं। इसी में एक बात और जो आप लोगों के काम आएगी, अगर वो कहते भगवान होते या नहीं हमें अनुभव करना है, बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा आप नहीं आए, 7 दिन का दरबार लगा आप नहीं आए, हमारे पास टाइम रहेगा हम फिर आएंगे, लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है, वेलकम टू यू ना रायपुर। और जो हमें पेड़ ना लगे कि हम बताएंगे, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।